मेरा नाम सुखमीत सिंह और रोइंग स्पोर्ट्स, और 2015 से मैंने ये स्पोर्ट शुरू किया था आर्मी ज्वाइन करने के बाद। तब से मैं इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी कंपटीशन खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली जो चल रहा है गोवा में 37 नेशनल गेम्स, उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले 2018 का जो मेरा पहला कंपटीशन था एशियन गेम में, उसमें हमारा टीम इवेंट में गोल्ड था। उसके बीच में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज। अभी रिसेंटली जो चाइना में एशियन गेम समाप्त हुआ है उसमें हमारा टीम इवेंट में जो अभी जिसमें गोल्ड है उसमें ब्रॉन्ज मेडल। सबसे मेमोरेबल था जब मैं पहली बार वो एशियन गेम में गया था 2018 में, और वो मेरा पहले ही कंपटीशन था इंटरनेशनल, और उसमें हमने फर्स्ट में गोल्ड लिया, तो वो मेरे लिए एक मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का पल था। और जो मेरे ड्रीम थे, हर एक एथलीट का एक सपना होता है कि वो इंडिया के लिए खेले और मेडल जीते। तो जो मेरा पहला कंपटीशन था इंटरनेशनल एशियन गेम में जब हमने गोल्ड मेडल लिया था, तो वो काफ़ी मेमोरेबल है। जी मैम, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी सीधा डायरेक्ट तो इंटरनेशनल नहीं खेल सकता, क्योंकि पहले प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्टेट के लिए खेलते हैं, उसके बाद नेशनल खेलते हैं ना। नेशनल एक पड़ाव है आगे कैंप में आने के लिए, नेशनल कैंप में आप आते हो, आपकी जो भी जहाँ पे मेडल विनर्स होंगे गोल्ड सिल्वर या कोचेस, जो भी सिलेक्टिंग कमेटी है वो यहीं से सिलेक्ट करेंगे आगे के लिए। और एक मौका है जो यंगस्टर हैं या यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो जिन्होंने मेडल जीते हैं, तो आगे आने वाले टाइम के लिए या जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन आएंगे, तो ये एक सिलेक्शन का एक पड़ाव है। आगे आप अपना जो भी ड्रीम है उसके लिए आप मेहनत कर सकते हो और इंडिया के लिए अपने लिए अपना नाम रोशन कर सकते हो। गोवा में काफ़ी अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ गोवा में, और पिछला जो नेशनल गेम था वो गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। और जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी गेम में, जो फैसिलिटी चाहिए हमें या बोर्ड्स वगैरह, तो वो सारा यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी वॉलंटियर है, काफ़ी सपोर्टिव है। गेट सेट गोवा।